प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे एक दिनी दौरे पर इंदौर, और इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर किसानों से मुलाकात की। वहीं पालिया पहुंचकर मार्ग पर पैदल चलकर उन्होंने मार्ग की व्यवस्थाएं देखी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ग्रामीणों ने पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान से सड़क देखने की गुजारिश की थी, उसी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। झाबुआ में चुनाव प्रचार थमने के बाद शिवराज सिंह चौहान एक दिनी दौरे पर इंदौर पहुंचे और सुपर कॉरिडोर पर किसानों से मुलाकात की। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने समस्या को लेकर अधिकारियों को फोन भी लगाए और समस्या का समाधान करने को कहा। वहीं मीडिया से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने मैग्निफिसेंट एमपी समिट को लेकर कहा कि उन्होंने कभी उसका विरोध नहीं किया और वो समिट का स्वागत करते हैं। यदि उद्योगपति प्रदेश में निवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश में रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रदेश का विकास बेहतर होगा। वहीं प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के मंत्रिमंडल में ही एकता नहीं है, और यदि सड़कों की बात करें तो कोई गाल पर आ जाता है या पटवारियों के बारे में गलत बोला जाता है। एकता की कमी है प्रदेश सरकार में। कल मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी थी जिसमें नितिन रघुवंशी जी और बाकी मित्रों ने बताया था कि रोड की हालत बहुत खराब है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और अखबारों की कटिंग्स भी लगाई थी, मीडिया की रिपोर्ट्स भी लगाई थी। मुझे लगा कि ज़रूरी है कि जब मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए और जनता की समस्या को उठाना चाहिए। यहाँ के सड़क पर सब साथियों में साथ देखा, तीन तीन चार चार फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। ये सड़क 500 मीटर आईडीए की है, उसके बाद पालाखेड़ी तक पीडब्ल्यूडी की है, और इस सड़क की मरम्मत होना या नहीं बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक्सीडेंट्स में भी दुर्घटनाग्रस्त लोग हो रहे हैं, और इसलिए सबके साथ मिलकर सड़क देखी भी है। मैं प्रयास करूँगा सबसे मिलके कि ये सड़क ठीक हो, बने। सरकार की ड्यूटी है कि उसका ध्यान अगर आकर्षित करें, वैसे तो बिना ध्यान आकर्षित किए ही उनका काम है, लेकिन मैं ध्यान आकर्षित करूंगा सरकार का, अधिकारियों का, ताकि इस रोड का काम हो सके और जनता को राहत मिल सके। आज बड़ी संख्या में किसान भाइयाँ इकट्ठा है और सब आक्रोशित हैं। अब मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि किसान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका। सोयाबीन मैंने कई जगह खुद रुक रुक के देखी, 50 किलो बीघा से ज़्यादा नहीं निकल रही, जो निकल रही वो भी दागी हो गई, उसकी कीमत 1,000, 1,200, 1,500 से ज़्यादा किसान को नहीं मिल रही। कहाँ जाएगा किसान और क्या करेगा किसान? और केवल सोयाबीन बर्बाद नहीं हुई, मक्का बर्बाद हुआ है, ज्वार बर्बाद हुई है, उड़द बर्बाद हुई है, मूंग बर्बाद हुई है, अनेकों फसलें जो खरीफ की फसल थी उसकी तबाह और बर्बाद हो गई। लेकिन शिकायत ये कि अब तक सर्वे का काम नहीं हो रहा है। सुपर कॉरिडोर पर खड़े TCS, इंफोसिस जैसी कंपनियां हम लोगों के प्रयासों का परिणाम थी, निवेश पहले भी आया है, और इस मामले में मैंने पहले भी कहा कि मैं विरोध नहीं करूंगा कि सरकार का निवेश करें उद्योगपति, हम सहयोग करेंगे क्योंकि निवेश से ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।